You guys wish you a very happy new year. So I know मैं बहुत time बाद कोई new vlog लेकर आई हूँ, but इस vlog में मैंने सारे festive days cover करे हैं. मतलब जो भी इस year के अंदर festive days थे वो थोड़ी थोड़ी clips मैंने ली है. तो कैसे हम लोग festivals मनाते हैं, कैसे उसे घर में celebrate करते हैं joint family में, all the fun that we had basically, वो सब मैंने इस vlog में cover करा है. So vlog बहुत ज़्यादा entertaining होने वाला है. Don't forget to watch the video till the end and yeah. प्रोग्रेस सारा सामान मेरे रूम से इधर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि मेरे रूम को क्लीन किया जा सके. दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई. बिल्कुल खाली पूरा फोटो भी खाली हो जाने के बाद सब खाली हो गया. ग्रेट न्यूज दैट एक महीने बाद फाइनली माई न्यू फोन इज हेयर. एंड एक महीना डिलीवरी में लग गया क्योंकि प्री बुकिंग नहीं कराई थी मैंने. अपने बर्थडे पे खरीदा था एक्चुअली. इट्स 16th October एंड आज जाके फाइनली मेरा फोन आ गया है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गाइज दैट आई कुड गेट माई हैंड्स ऑन वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस फोन्स बाय माई सेल्फ. सो आई जस्ट शेयर द अनबॉक्सिंग विद यू गाइज एंड आई शो यू विच फोन हैव आई रियली ऑर्डर्ड. Here guys, I'm so happy unboxing this. एक महीने बाद ये मेरे हाथ लगा है. बर्थडे पे मैंने खरीदा था और अब जाके आया है क्योंकि स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं था तो ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा था. You will get to know कौन सा फ़ोन है. Yes, this is iPhone 15 Pro, you guys. मैं आपको सच बताऊँ तो एक बार मैं अनबॉक्सिंग इसकी कर चुकी हूँ Instagram के लिए. YouTube के लिए फिर से कर रही हूँ. So this is how it looks. This is the phone. आई एम रेडी टू गो एंड सरप्राइज मॉम. उनका बर्थडे है बट वो नानी के घर गई हुई हैं आज और उन्होंने बोला कि आज मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने का थोड़ा सा मन नहीं कर रहा. तो फिर मैंने बोला कि मैं नानी के घर जाकर ही उनको सरप्राइज कर देती हूँ केक एंड ऑल के साथ में. सो आवर बर्थडे गर्ल इज रेडी लुकिंग सो प्रिटी विद हर केक. पार्टी दे रही हो मामू दे रहे हैं पार्टी. मामू दे रहे Happy birthday to you. मेरे साथ पार्लर में चले थे बच्चे और उन्होंने बोला कि मैंने बोला चलो आज हम कहीं कुछ खा कर आते हैं. तो अब थोड़ा सा रात का टाइम हो रहा है तो हम सोच रहे हैं कुछ खाएं बच्चों के साथ. फिर क्या चीज़ केक खा रहे हैं आज बच्चे. इन लोगों ने बोला हमको दोनों को चीज़ केक खाना है. अगर मैं डाइट पे होती नहीं होती तो मैं भी ले लेती कुछ ना कुछ अपने लिए. बट हम डाइट पे हैं. प्राइस इसको ना इसने भी डोनट मंगाया था. इसका पैक भी हो गया. भैया को एंड में लगा हमने बहुत मीठा खा लिया तो अब हम कुछ चटपटा खाएं. चटपटा है ना. जो मैंने पत्थर फेंका था ना वो किसी गाड़ी के शीशे पर लगा. हो राघव तुम क्या करने लग गए हो. कैसे कैसे काम करने लग गए हो. गाड़ी के शीशों पे पत्थर फेंक रहे हो तुम. यार अच्छी बात है. अरे यार भरोसा नहीं था यार. तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया बेटा जो तुमने मुझे लास्ट में बताया था. तुम्हें पता नहीं था रिकॉर्ड हो रहा है. कुछ का डोनट फिनिश हो गया बट राघव की फ्राइज अभी तक नहीं आई. सो वेट इज ओवर एंड राघव की फ्राइज फाइनली आ चुकी है. ओह माय गुडनेस ये क्या कर दिया. मूड खराब कर दिया तुमने लोगों का यहाँ पर. अरे शी शी राघव तुम चाहते हो तुम कह रही हो नाटी के रोस्ट में आओ. यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार. खाना यहाँ का इतना अच्छा लगा कि एक पैकेट मैंने पैक करवाया है, एक राघव ने करवाया है और एक खुश ने करवाया है. तीनों गंदी है. नहीं झूठ बोल रहा है यार. राघव तू गलत बता रहा है. आप तो बहुत गलत बता रहे हो. अरे तू भी तो गलत. आप तो बहुत झूठ बोल रहे हो. बताओ अभी तेरी मम्मा को तेरी बातें बोलू क्या. नहीं अब क्या हो गया. इस बात पे राघव ने मुंह मोड़ लिया अपना. सो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया. नाउ वी आर गोइंग होम. कैब हमारी आने वाली है. एंड बच्चों ने बच्चों एंजॉय करा. यार कितने बेकार हो. राघव इधर से कैब करा रहे हो और ये बच्चे कैब में भी मजे ढूंढ रहे हैं. देखो वे काउंट कर रहे हैं कब वो कैब वाले भैया स्क्रीन पे वापस आ जाएंगे कितने सेकंड में. देर के बाद हमारी कैब फाइनली आ चुकी है.
सो गाइस फेस्टिव सीजन में मैंने अपने बालों में बहुत ज्यादा हीटिंग टूल्स यूज किए, जिसकी वजह से यू कैन क्लियरली सी द हीट डैमेज, फ्रिजी हेयर एंड हेयर फॉल तो पूछो ही मत। तो मेरी फ्रेंड से बात करते टाइम उसने मुझे बहुत ही अच्छा हेयर फॉल शैम्पू रिकमेंड करा है, तो चलो उसे ट्राई कर ही लेते हैं आज। दिस इज ट्रिच अप नेचुरल शैम्पू फ्रॉम वासु हेल्थ केयर एंड इसमें बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स है लाइक भृंगराज, आंवला, लिक्रिस। मैं बस थोड़ी सी क्वांटिटी डैम्प हेयर पर लगा रही हूँ एंड पहले ही वॉश में मेरा हेयर फॉल काफी कम हुआ है और अब 15 डेज में मैं आपके साथ में फाइनल रिजल्ट शेयर करूंगी। तो गाइज आज मुझे शैम्पू यूज करते हुए 15 डेज कंप्लीट हो गए हैं और आप देख ही सकते हैं कैसे मेरे बाल ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। हेयर फॉल तो रिड्यूस हुआ ही है और साथ में न्यू हेयर ग्रोथ भी क्लियरली दिख रही है। मेरे बाल काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड हेल्दी भी दिख रहे हैं सिर्फ 2 वीक्स में। और तो और ये क्लिनिकली प्रूवन है, जो 15 डेज में हेयर फॉल कम करता है। ऑल्सो इट्स ट्रस्टेड बाय डॉक्टर सिंस 1990 एंड इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड टू। मैं ये प्रोडक्ट डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ फॉर पीपल विद हेयर फॉल इश्यूज एंड डैमेज्ड हेयर। प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। स्वीट्स आ रहे हैं बट हम कुछ नहीं खा सकते बिकॉज वी आर ऑन अ डाइट। बाथिंग गाउन पहन के क्या कर रहे हो अब तुम? क्या बिहेवियर है राघव, मुझसे गलती हो गई, मैंने बाहर अपना बाथरूम रख लिया, आई एम सॉरी। किसी हिंदी फिल्म के विलन लग रहे हो। सो दिवाली की सफाइयाँ चल रही है और मैंने आज मेकअप उठा ही लिया है, पता नहीं कितने वो करके। अभी तक सिर्फ एक मेरा मेकअप का जो बॉक्स है वो क्लीन हुआ है, देखिए कितना कचरा है इसके अंदर। दो और मेकअप बॉक्सेस हैं बड़े बड़े, उनको भी निकालना है, ये जो पूरा एक्सपायर हो चुका है तो ये मैंने उधर रख दिया और ये मैंने ऑर्गेनाइज करा है। सो गाइस मैंने दूसरा बैग भी खोल दिया, इसमें सारा मेरा लग्जरी मेकअप है एंड मोर देन हाफ ऑफ माय बेड इज कवर्ड इन मेकअप। अब एक और बैग खोलूंगी तो आई थिंक वो वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। फाइनली गाइस तीनों बैग्स ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। इमेजिन इतना सारा सामान एक्सपायर हो चुका है, मुझे इसे फेंकना पड़ रहा है, सो इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ वेस्टेज। तो मैं क्या करती हूँ, ब्लॉक सेल में प्रोडक्ट्स एक्सपायर होने के 1-2 साल पहले ही ब्लॉक सेल कर देती हूँ और वो यू नो हाफ रेट्स में मैंने सेल कर देती ताकि मेरी ऑडियंस उन्हें परचेज कर ले और प्रोडक्ट की वेस्टेज ना हो। अब ये प्रोडक्ट मुझे याद ही नहीं था, एक बॉक्स में रह गए थे और काफी सारे मैंने इनमें से यूज नहीं करे और इतने सारे इसमें से एक्सपायर हो गए। जैसे हम आए हैं शॉपिंग पे, हमने बहुत सारी शॉपिंग करी है, मम्मा चेंजिंग रूम में है। और मैंने करी है बहुत सारी लोकल शॉपिंग यहाँ से चीटी से। दिवाली सीजन आ चुका है तो दिवाली पर्स भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। आए हैं डिनर पे, पापा जी भी हैं हमारे साथ, मॉम, मामू। दिस इज माई लिपस्टिक्स का कलेक्शन और इसमें से मैं लिटरली कुछ गिने चुने शेड ही लगाती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं और पता नहीं मैंने क्यों इतनी सारी लिपस्टिक्स रख के रखी है, आई हैव नो आइडिया। सारी एक्सपायर्ड है, कुछ लिपस्टिक्स है जो मैं नहीं यूज करूंगी तो फिर वो मैं किसी को दे दूंगी, बट दिस इज लाइक ऑर्गेनाइज। मैंने अपना सारा एक्सेसरीज का कबर्ड ओपन करा है और आप हालत देख सकते हैं, ये सारी मेरी एक्सेसरीज हैं और थोड़ा बहुत मेकअप के पाउचेस थे उन वाले एरियाज को मैं क्लीनिंग चल रही है। देखिए पूरे रूम की हालत देखिए क्या हो रखी है। इस पे क्यों चढ़ रहे हो लड़ते। सबसे ब्यूटीफुल लड़की कौन सी है तेरी क्लास में? कुछ भी नहीं क्या मतलब? एक भी नहीं। तू कल्ली से बहुत प्यार करता है ना, है ना? कल्ली कौन सी ईयर में बर्थ हुई है कल्ली का बता। 2000। मंथ और डेट बता। अक्टूबर। डेट नहीं पता। राघव दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर योर एज, यू अंडरस्टैंड दिस? नो। दीज आर योर मैनर्स? नो। सो व्हाट इज योर मैनर्स? टू रन बिहाइंड गर्ल्स? वन मिनट लेटर ठीक है। क्यों रो रहे हो बेबी? ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में? कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा, मैंने सबसे ज्यादा जूम कर लिया है लाइफ का, इतनी नौटंकी। राघव तुम्हारी साइकिल खराब हो चुकी है, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट, डोंट लाई। अच्छा पैर नीचे रख के साइकिल चला रहा है। उसके बाद तुम्हारे ऐसे निशान हो गया। चलो ठीक है, आज का ड्रामा मैंने खरीद लिया तुम्हारा, ठीक है तुम्हारी स्कूल से छुट्टी, जाओ। सो कपड़ों का सफाइयाँ हो चुकी है चालू, जस्ट लुक एट द मेस। मैं यहाँ हो रही हूँ पागल क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, इतना सारा ऑर्गेनाइज करना है मुझे। ओ माय गॉड, आई कैन नॉट। राघव आज हमारे साथ बैठा है और हेल्प नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बैठा है और चीजें छुपा रहा है। बोल रहा कल ही थी ढूंढो आपका वो वाला बैंगल कहाँ गया है ना।
राघव तुम्हारी पिटाई लगाऊंगी मैं। अभी बॉक्सेस के अंदर नहीं आए ज्वेलरी, उनको मैंने इसमें रख दिया है, एंड जो बॉक्सेस में आ गए उनको बॉक्सेस में स्टोर कर दिया, छोटी वाले छोटी में, मिडिल वाले बीच में, और ये सबसे बड़े वाले मैं इसके अंदर टैंगल हो चुकी हूँ। निकालू कैसे समझ में नहीं आ रही। शेल्फ हमारा ऑर्गेनाइज हो चुका है। क्या लिया राघव तुमने? वेट कर रहे हैं टेलर भैया की शॉप खुलने का, तो लगता है कि बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। है दिवाली का आउटफिट स्टिच करवाने, टेलर भैया की शॉप ही नहीं खुल रही है, ये ओपन है मतलब वो नहीं है, और यहाँ बच्चे बैठे हैं। हाय बोलो बच्चों। शादी वाली ब्लॉगर हूँ मैं, क्योंकि मैं खाते हुए बच्चों को रिकॉर्ड कर रही हूँ, और इन लोगों को बहुत ऐसा फील हो रहा है एम्बेरस, और एम्बेरस करने में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में। माई परफ्यूम कलेक्शन, और ये सारी परफ्यूम मैंने हटाई हैं, ये फिनिश होने वाली है, तो एनी वेज आई हैव अ बिगर पैक ऑफ दिस वन। कम्फर्ट पटाखा शॉपिंग विद किड्स, बहुत सारे पटाखे हैं यहाँ पर। क्या ले रहे हो? चटर पटाखे, बड़ी दो और तीन छोटी वाली है ना, और ये सही है, ये सही है। सभी हमने बहुत सारे पटाखे खरीदे हैं और ओपनिंग कर रहे हैं। सो इसके बाद में मानसी थोड़ी डेज के लिए जयपुर आई थी, और हम एक बहुत ही अच्छी जगह पे डिनर करने गए थे, बहुत ज़्यादा अच्छी एम्बियंस एंड वाइब थी इस जगह की। फिर दिवाली आ गई थी और हमने दिवाली कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट करी, मैंने एक छोटा सा मिनी व्लॉग भी अपलोड किया था यूट्यूब शॉर्ट्स पे, सो आई होप आपने वो देखा होगा। फिर पूजा करने के बाद और फटाके फोड़ने के बाद हम लोग गए थे आइसक्रीम पार्लर, और ये हमारा हर साल का दिवाली रिचुअल है कि हम कहीं ना कहीं आइसक्रीम खाने जाते ही हैं। फिर भाई दूज वाले दिन हम अगेन डिनर पे गए थे विद नानी एंड मामू, एंड हमने बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग अमेजिंग फूड खाया। डोंट माइंड माई फेस, आई वॉज जस्ट शूटिंग अ वीडियो, और मैं अभी फ्री हुई हूँ, रात के 12 बज रहे हैं, एंड दीज वर ऑल द फेस्टिव क्लिप्स ऑफ माई यू नो ईयर नहीं हाफ ईयर। एनी वेज थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑलवेज शोइंग योर लव, एंड मैं ट्राई करूंगी कंसिस्टेंट रहने का, बट हो नहीं पाता है क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारा कॉन्टेंट होता है, और बहुत सारे जने मुझे बोलते रहते हैं कि आप व्लॉग्स ही डालते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। हाय वापस होना, मैंने कहा एटीट्यूड दिखा रहे हो, अगर आप टेलर स्विफ्ट से बात करने आई है। बिल्कुल प्लांट्स को फ्रेंडशिप एंड बांध देगी सिखा रहे तू है स्कूल वाले।